दोस्तों आज डिस्कस करेंगे एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो जेई 2010 का पार्ट था पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हमें दिया है एक ट्राइंगल ए बी सी जिसके एंगल्स ए बी और सी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन माने एपी बनाते हैं ट्राइंगल्स की साइड्स हैं स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी और पूछा गया है एक्सप्रेशन स्मॉल ए ओवर स्मॉल सी साइन टू सी प्लस स्मॉल सी ओवर स्मॉल ए साइन टू ए की वैल्यू तो शुरू करते हैं पहले ट्राइंगल ए बी सी को ड्रॉ करते हैं और गिवन साइड्स को मार्क कर देते हैं अब क्योंकि एंगल ए बी और सी ए पी बनाते हैं हम मान लेते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू अल्फा एंगल बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और एंगल सी इज इक्वल टू अल्फा प्लस टू बीटा दोस्तों टू बी को लिख सकते हैं टू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा जो बनेगा अल्फा प्लस ब्रैकेट अल्फा प्लस टू बीटा अब अल्फा है एंगल ए और अल्फा प्लस टू बीटा है एंगल सी तो टू बी बना ए प्लस सी और क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है टू बी बना पाई माइनस बी माने एंगल b की वैल्यू आई पाई ओवर थ्री अब गिवन एक्सप्रेशन में ट्राइंगल के साइन रूल को यूज करके a एवर c को लिख सकते हैं साइन a ओवर साइन c और c ओवर a को लिख सकते हैं साइन c ओवर साइन a। नेक्स्ट स्टेप में साइन 2c को एक्सपेंड किया 2 साइन c कॉस c और साइन 2a को एक्सपेंड किया टू साइन ए कॉस ए तो एक्सप्रेशन बना साइन ए ओवर साइन सी इंटू टू साइन सी कॉस सी प्लस साइन सी ओवर साइन ए इंटू टू साइन ए कॉस ए अब लेफ्ट टर्म का साइन सी न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर से कट जाएगा और सिमिलरली राइट टर्म में साइन ए कट जाएगा तो बाकी बचा टू साइन ए कॉस सी प्लस टू कॉस ए साइन सी और साइन अल्फा प्लस बीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से यह बनेगा साइन ए प्लस सी अब ए प्लस सी को लिख सकते हैं पाई माइनस बी तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आई साइन पाई माइनस बी और साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स तो एक्सप्रेशन बना टू साइन बी अब फाइनली एंगल बी की वैल्यू पुट की पाई ओवर थ्री और साइन पाई ओवर थ्री होता है रूट थ्री ओवर टू तो एक्सप्रेशन की फाइनल वैल्यू आई टू इंटू रूट थ्री ओवर टू इज इक्वल टू रूट थ्री और यही हमारा आंसर है आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद